नमस्कार किसान भाइयों, आज 2 मई सन 2020 में हमारे पास जिला हापुड़ से कुछ प्रगतिशील कृषक पौधे लेने के लिए आए हुए हैं। मैं आप सभी का उनसे परिचय कराता हूं। इनके यहां पे वर्तमान में नींबू, कुछ पौधे अमरूद, कुछ पौधे मौसमी और कुछ पौधे मोहगनी के अभी जाएंगे। नींबू के पौधों की मात्रा अधिक है इसके अंदर, तो मैं आपका परिचय कराता हूँ। पहले आप अपना नाम बताइए। मनवीर सिंह नाम है। क्या गांव है आपका? श्यामपुर जट। श्यामपुर जट, ठीक है। तो आप नींबू के पौधे लेने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ जी। पौधे कैसे लग रहे हैं देखने में भाई? पौधे बहुत बढ़िया लग रहे हैं। चलो, आप यूट्यूब पे देखा ऐसा, उससे भी घने अच्छे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। आप देख सकते हैं मनवीर जी के पास में जो पौधे रखे हुए हैं, इस पे फूल और फल की मात्रा है, और ये देखिए फल भी बना हुआ है पौधों पे। और अब हम इनके साथ जो दूसरे किसान आए हुए हैं वो अपना परिचय स्वतः ही देंगे, क्योंकि ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के उद्योगपति हैं, जिनका गीतांजलि के नाम से अपने प्रोडक्ट्स आते हैं। वर्तमान में गांव के प्रधान भी हैं। लगातार कुछ महीने से मेरी बात भी चल रही है इनसे, और आज सारे बंधनों को तोड़ते हुए ये हमारे पास आए हैं। मैं इनका हृदय से आभारी हूँ कि इन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप अपना पूरा परिचय सभी किसान भाइयों को दीजिए। परिचय तो चौधरी साहब उस भगवान का है, सब नाम कृष्ण पाल है, सरपंच जो है ग्राम मुक्तेश्वरा डिस्ट्रिक्ट हापुड़ विकासखंड सिम्बावली। तो आपका जो हम वीडियो देख रहे थे करीब पिछले 6 महीने से, देखते देखते हम तंग हो गए। आपका इतना प्यार मिला जी, और रोज वादे हो वादे पे वादे हमारे आपसे चलते रहे। काफी दिन से हम आपसे मुलाकात तो सोच रहे कब हो जाएगी, लेकिन भगवान ने आज ऐसा मौका दिया। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन भी लगा रखा, लेकिन लॉकडाउन में भी हमारा और आपका मिलन जरूर था, और हुआ भी तो ऐसे मौके भैया जहाँ लोग निकलने को तैयार नहीं, लेकिन उस आज हमने मन बनाया कि जैसा कुछ होगा देखा जाएगा। भाई आज भैया मनवीर है, मेरा पड़ोसी, मेरा साथी भी है श्यामपुर जट से जी, और आज हमने मन बनाया के मगर भाई आज नींबू का लगाने का लक्ष्य बहुत दिन से चल रहा, खड्डे भी तैयार कर रखे, लेकिन आज सुबह हमने पेमेंट भी 1 महीने से आपकी आई हुई है हमारे पास पूरी। पेमेंट तो आपकी है, हमारी क्या है, पेमेंट तो हमने 1 महीने वो तो कोई बात नहीं, पेमेंट तो घर की बात है, पेमेंट डाल दी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहा था, हम नहीं आए। और आज सारे बंधनों को तोड़ के और कृषि कार्यों में क्योंकि छूट दी हुई है किसान भाइयों, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रख के और आप डीएम की परमिशन लेके भाई साहब की तरह यहाँ पे आ सकते हैं। कोई बंधन नहीं है किसानों के लिए खेती संबंधित कार्यों में। तो जो पौधे आप देख रहे थे अभी नेट पे, अब तक हमारी काफी वीडियो आपने देखी, जैसे पूर्व में वार्तालाप हुई और अभी वर्तमान में भी आप हमारी नर्सरी में सारी में भ्रमण करके आए हैं, तो जो सबसे पहले नींबू के अधिक मात्रा में पौधे आपके जा रहे हैं, तो कैसा पौधा लगे आपको हमारे भाई? तो जो आपका वीडियो देख रहे हैं उससे भी कहीं हमें और 20% अच्छा देखने वाला। वीडियो में तो इतना बढ़िया नहीं दिखाई दे, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है, जो हम मौके पर आपके पास खड़े हैं, जो आप इसमें बताते हैं, उससे कई गुना हमें बहुत ही प्यार मिला, और बहुत ही पौधों से भी प्यार है। देखने में पौधे भी बहुत सुंदर लग रहे हैं आपके। धन्यवाद से जी। और सारी नर्सरी में आप घूमे हैं जी, लोगों से बताएंगे, विश्वास करेंगे, जब हमारी वीडियो हमारे क्षेत्र के हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी देखेंगे, उन्हें भी पता चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में भी जो है 12 मासी नींबू लग चुका है। और जहाँ तक हमारा अपना क्षेत्र में होगा आपकी फुल मदद भी रखेंगे, लोगों को समझाएंगे। धन्यवाद। नई खेती है, नई तकनीकी है जी, किसान ने गन्ना और गेहूं के पीछे ही बर्बाद है जी, और इसमें कुछ मिलता भी नहीं जी। अब बागवानी में कुछ अगर लगाएंगे, आधी उम्र होली, आधी कुछ और बच्चों को देखेंगे, बाग लगाए चलेंगे लास्ट में, और क्या करेंगे जी। तो नींबू के बाग में आपको संभावनाएं अधिक नजर आती हैं अन्य खेतियों के मुकाबले? सबसे ज्यादा जो अब फिलहाल में आम से ज्यादा और किसी फल से अच्छा जो नींबू है, नुकसान कम है मौसम के अनुसार से भी, और जंगली जानवरों से भी, और सदाबहार है नींबू, तो जब चाहो जब 24 घंटे तैयार है जी, ऐसा कोई नहीं मिले, कोई चीज ऐसी है, कोई साग सब्जी कुछ भी होगा, अगर कहीं भी जाओगे नींबू जरूर आपको खाने के लिए जरूर मिलेगा, और 12 महीने ही नींबू की जरूरत है। जैसा प्रधान जी हम सभी लोगों से वायदा करते हैं कि हमारा नींबू कागजी 12 मासी है, और आप आके देखिए, हम सबको आमंत्रित करते हैं, हृदय से आमंत्रित करते हैं जी जी जी। कैसा अनुभव जो आपने देखा, क्या वास्तव में वही है या कुछ उससे भिन्न आपको नजर आ रहा है? जो आपके वीडियो देखते हैं उससे भी कहीं ज्यादा, 1000 गुना उससे ज्यादा हमें विश्वास और प्यार मिला, और जो आप क्वालिटी की रोज इस पे अपनी वीडियो बनाते हैं वो क्वालिटी ओरिजिनल वही देखने को मिली है हमें। और अच्छा इतना लगा है कि जो पौधे हैं
वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इतना मोल्ड इतने छोटे पौधे पे नहीं मिलेगा। छोटा छोटा आपका नींबू भी आ रहा है इस टाइम, ये लग रहा है। देखिए जो प्रधान जी, ये नींबू आ रहा है और आपको दिखा भी रहे हैं, गुच्छेदार नींबू आ रहा है ये। देखिए ऐसे गुच्छे में नींबू आएगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग हर एक साइज मिलेगा। किसान भाइयों, आप सभी का आमंत्रण है, खुले दिल से आइए, स्वागत है। देखिए कि चीज क्या दे रहा हूं मैं। किसी आलोचक की आलोचना करने से सोना पीतल नहीं हुआ करता। हम सोना बेच रहे हैं, सोने की गारंटी है हमारी। 24 कैरेट खरा सोना निकलेगा जो वैरायटी है। भीषण गर्मियों में फल आएगा, मौसम का साथ जरूरी है, मौसम से आप और हम नहीं लड़ सकते, और किसान की और मौसम की हमेशा चलती रहती है। तो 36 का आंकड़ा भी होता है, और जब साथ देता है तो किसान को राजा बना देता है मौसम। तो किसान भाइयों, फिलहाल किसान ही एक भगवान के रूप में लॉकडाउन में सबको नजर आ रहा है कि सारे काम बंद हैं, लेकिन किसान के द्वारा कमाया गया जो अन्न है वो आपके पेट में जा रहा है। आपकी जो सांसें हैं अच्छी चल रही हैं, आपका शरीर जो है वो पुनः लॉकडाउन खुलने के बाद में डबल शक्ति, डबल स्फूर्ति, डबल ताकत के साथ काम करने के लिए वो अन्न है आपके शरीर में जो जा रहा है, जिससे आप दोबारा जो आपने खोया है इस लॉकडाउन में उससे कई हजार गुना आप पाओगे। तो वो किसान का अन्न है जिससे हम सब लोग बलिष्ठ हो रहे हैं, हमारा समाज सुदृढ़ हो रहा है, हमारा देश पूरा विश्व किसान की दी हुई रोटी खा रहा है। तो किसान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सही बात है। और दुर्भाग्य क्या है कि किसान आज भी कर्जमंद है, जी, दुखी है, परेशान है, अच्छा भाव किसान को नहीं मिल पाता है, बिचौलिया सब कुछ खा जाते हैं। जी, दुर्भाग्य है इस देश का। इस सारे सिस्टम को कोई ना कोई नेता अवश्य सुधारेगा, मुझे यकीन है। वर्तमान सरकार से भी यकीन है और जो आने वाली सरकार है उनसे भी यकीन है कि अगर किसान गरीब रह गया तो ये देश हमेशा गरीब रहेगा, और किसान समृद्ध हो गया, राजा बन गया, तो ये देश पूरे विश्व का राजा बनेगा। पुनः सोने की चिड़िया की स्थापना भारत देश के रूप में विश्व के अंदर होगी, ये मुझे पूरा यकीन है। सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि किसान को ऊपर उठाना है, और वो किसान की एजुकेशन हमें करवा